कुछ विगत दिनों में हम यहाँ आए थे, बच्चों से मिले, उनकी समस्याओं को जाना। वे अभी भी आज भी वे अपने चयन प्रक्रिया का प्रोसीजर ही मांग रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हमारे नियुक्ति पत्र क्यों नहीं आए हैं। ये प्रश्न चिन्ह कल भी था, आज भी है और हमेशा बना रहेगा जब तक आप खुद आकर उसको सुनिश्चित नहीं करते। और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर विगत कई दिनों से पुरुषों के साथ साथ महिलाएँ भी हैं और उनके बच्चे भी हैं जो चयनित हैं। सभी प्रशासन उनको FIR का डर बताकर उनके मौलिक अधिकार न छीने। वो अपनी जानकारी अपने चयन प्रक्रिया के अनुसार जो उन्हें एग्ज़ाम निकाला है उसकी मात्र जानकारी लेने आए हैं। आप उनको डर बताकर उनके अधिकार न छीने। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डर के आक्षेप में चयनित शिक्षक अपने अधिकारों को खो रहे हैं और आपका डर उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा सता रहा है कि वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। अगर प्रशासन और सरकार अगर ऐसी बात रखती है कि हर नागरिक का अधिकार छीन ले तो सरकार के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह बनता है। महिलाएं अपनी जानकारी मांग रही हैं, क्यों आपने उनको नहीं, आज उनकी चयनित हो जाती तो आज वो स्कूल में एक शिक्षक की भांति हम भी उनको शुभकामनाएं कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं। ये चीज़ें सब उनकी बदल गई हैं और आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह बन गया है। आप प्रशासन में भांजी भांजे वाली बात जो बात करते हैं, हम भी आपके भांजे भांजी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भांजे भांजी परेशान हैं। तो आप क्यों नहीं आकर उनसे बात कर लेते हैं? आप वीडियो जारी कर दीजिए, बच्चे चले जाएंगे, क्यों परेशान होंगे यहाँ पे? वो आ जाइए, आप बात कर लीजिए उनसे, दो मिनट उनको सांत्वना दे दीजिए। क्यों उनके नियुक्ति पत्र रोके गए हैं? अगर आप बता देंगे वे यहाँ से खुशी खुशी चले जाएंगे। यहाँ पर वो किसी को परेशान नहीं कर रहा है। पुलिस विभाग से भी मैं ये कहना चाहूँगी उच्च स्तर पर कि बच्चे यहाँ पर कहीं, मुझे नहीं लगता कि ये किसी गतिविधियों में संलग्न है। हाँ, लेकिन आप अगर उनको अपराधी बना देंगे तो वे बन जाएंगे और आप अगर उनको यहाँ से भेज देंगे तो इसकी मांग है। कल भी मेरी यही मांग थी, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी हैं, ये चयनित सभी लोग हैं। आप 882 लोगों का नियुक्ति पत्र जारी कर दें। 10 तारीख तक आपने उनके सभी चॉइस फिलिंग करवाई, स्कूलों का चयन करवाया, सब चीज़ें करवाई। अगर GDA का लेटर आ गया था, प्रशासन विभाग का लेटर आ गया था, तुरंत आप रोक लगा देते ना। जिस तरीके से आप सब चीज़ें जारी करते हैं, फलाना सूचना आ गई है पोर्टल पे जारी कर देते हैं, क्यों नहीं इनको बता दिया गया? आज आप, हम, प्रशासन, पुलिस विभाग, किसी को कहीं रोकने नहीं आता अगर ये जानकारी पहले ही आ जाती।